वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस की मुख्य एग्जाम के लिए वैक्सीनेशन मौजूद है या नहीं, किन हेपेटाइटिस की कौन सी एग्जाम के लिए वैक्सीनेशन मौजूद है और कौन सी एग्जाम के लिए मौजूद नहीं है। आज की वीडियो में आप वैक्सीनेशन के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो अहम किरदार अदा करती है। ए और बी के लिए वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन माहिरीन सेहत साइंटिस्ट जो है वो हेपेटाइटिस सी के लिए जो है वो वैक्सीनेशन बना रहे हैं और हेपेटाइटिस ई के लिए जो है वो चीन में वैक्सीनेशन मौजूद है, जो कि बाकी जगहों पर इसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा हेपेटाइटिस डी के लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो मौजूद नहीं है। तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होती है उनको साथ ही हेपेटाइटिस डी भी हो जाती है, तो डी का इलाज क्योंकि मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए क्योंकि ऐसे लोगों को बी क्योंकि पहले से हो चुकी होती है उसका इलाज है वो किया जाता है ताकि डी जो है वो कंट्रोल रहे, यानी बी की वैक्सीनेशन से डी को जो है वो कंट्रोल रखने में जो है वो काफी मददगार साबित होती है। इसलिए डी के पेशेंट को जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से जब इनका इलाज किया जाता है, जो कि शायद वक्त ही हो सकता है क्योंकि मुकम्मल तौर पर क्योंकि दोनों वायरस क्योंकि एक साथ बढ़ रहे होते हैं इंसान के अंदर, तो जारी बात है एक तरह से वक्ति तौर पर तो अफाका हो रहा होता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसका इलाज है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये किया जा सकता है कि खुद को जो हफाजती जो एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल जो जरूर किया जाए इन बीमारियों से बचने के लिए। जो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, प्लीज मजीद और आगे के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात पूछ रही है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।